खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। हाल ही में मैं एक शादी में गया तमिलनाडु के अंदर। भाई तमिलनाडु जगह इतनी बढ़िया है, लोग अच्छे हैं। अब शादी में शादी का खाना, और उसमें जो खाना खाया इतना बढ़िया, टेस्टी, डिलीशियस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो दिखने में तीखी लेकिन वैसे तीखी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी जो दिखने में बड़ी माइल्ड सी लग रही थी लेकिन खाने में बड़ी तीखी, बड़ी वैरायटी थी। और खाने में ऐसी ऐसी चीज़ें, हर चीज़ का अपना कलर, टेक्स्चर, टेस्ट अलग अलग। तो आज आपके साथ वहाँ के कुछ फ्लेवर्स, चेट्टिनाड, वहाँ के जो चेट्टियार लोग हैं, वो उनका रहन सहन काफ़ी बहुत इलैबरेट, सब कुछ रिच कम्युनिटी है, तो खाना भी वैसे ही होता है, बढ़िया होता है। चलिए देखते हैं कुछ वहाँ के खाने, टेस्टी डिलिशियस वेजिटेरियन खाना, और इसमें बनाएंगे एक सब्जी। क्या क्या करना है इसमें मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करेंगे दूध के साथ, पाल। ये जो दूध की रेसिपी है, सब्जी में क्या करना है इसमें, दूध ले लेना है हमें, और दूध में थोड़ा पानी। मतलब दूध वाला जब पानी डाल देता है दूध के अंदर तो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन घर में डालें तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी, ये दूध और पानी ले लिया, और इसके अंदर ये सब्जी डालनी है हमें। अच्छा, इसके अंदर आप वाइट पम्पकिन डाल सकते हैं, दूसरा पम्पकिन भी इसके अंदर बड़ा अच्छा बनता है। तो ये जो है ये मैं ले लेता हूँ, ये पम्पकिन, और उसके साथ साथ इसमें कुछ और चीज़ें भी हमने डालनी हैं, जैसे इसके अंदर थोड़ा नमक इसमें डाल देते हैं, और उसके साथ साथ इसमें करी पत्ते। अच्छा, करी पत्ते जो हैं, अब करी पत्ता हमारे यहाँ पर इतना मिलता है तो टेस्ट भी अच्छा लगता है, मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही डालता हूँ इसके अंदर करी पत्ता। इसे थोड़ा थिकन भी करना है हमें, और थिकनिंग के लिए थोड़ा सा राइस फ्लावर, और इसके अंदर पानी डालकर इसमें डालेंगे हम ये राइस फ्लावर। इसको डालकर इसमें पकने देना है। राइस फ्लावर से क्या होता है कि जो दूध है उसके साथ साथ वो गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा, और इसमें साथ में पकने देना है। और इसे तीखा बनाने के लिए ये मेरे पास हरी मिर्चें, हरी मिर्च को, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये हरी मिर्च, और अब इसे हम कुछ देर तक पकने देते हैं। अच्छा, ये जो रेसिपी है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मीठा टेस्ट भी दे सकते हैं, थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये वैसे तो दूध की अपनी मिठास है, इसमें तीखापन भी है, लेकिन थोड़ी सी मिठास चीनी की भी, ये इसके अंदर डाल देते हैं हम, और ये पकने देते हैं। और इसे वैसे काफ़ी सुखाया भी जा सकता है, नहीं तो ग्रेवी भी ऐसी रखी जा सकती है, कैसे आप रखना चाहते हैं इसे उस तरह से रखें। हाँ, इसमें जो टेम्परिंग है, जो तड़का है, वो देखिए ये तेल का, तो इसके अंदर हम ले लेते हैं ये मस्टर्ड सीड्स इसके अंदर, और उसके साथ साथ इसमें ये धुली हुई उड़द, ये अब ये लाल भी हो गए, ये फूटने भी शुरू हो गए, और अब इसे हम ले लेते हैं और इमीडिएटली ढक्कन इसमें लगाएं ताकि जो सारा फ्लेवर है इसके अंदर ट्रैप हो जाए। इसे करीब 5-7 मिनट तक और पकने दें, और उसके बाद इसे खाएं, मज़ा लें। आप चाहें तो चावल के साथ खा सकते हैं। हाँ, बिरयानी खाएंगे क्या आप? चलिए बिरयानी बनाते हैं, टेस्टी डिलिशियस कायकरी बिरयानी। कौन सी? वेजिटेबल बिरयानी, लेकिन तमिलनाडु स्टाइल में, टेस्टी है, डिलीशियस है। अभी तो नोट करें इसके इंग्रीडियंट्स, उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम सफेद पम्पकिन कटा हुआ, 1 कप दूध, नमक स्वादानुसार, 12 करी पत्ते, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 4 हरी मिर्चें चीरा लगी हुई, 2 छोटे चम्मच चीनी, 4 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच राई, और 1 छोटा चम्मच धुली हुई उड़द की दाल। इसे बनाने के लिए एक पैन में दूध डालें, इसके अंदर आधा कप पानी डालें और इसे उबाल लें। अब इसके अंदर व्हाइट पम्पकिन, नमक और करी पत्ते डालकर करीब 5 मिनट तक पकाएं। फिर इसके अंदर चावल का आटा, हरी मिर्चें और चीनी डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। इसके तड़के के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसके अंदर राई और धुली हुई उड़द की दाल डालकर सुनहरा होने तक भूनें, और इस तड़के को पके पम्पकिन में डालकर इसे ढक्कन लगाकर करीब 5-7 मिनट तक पकाएं और सर्व करें।